मध्य प्रदेश में किसानों की हालत किसी से छिपी नहीं है। पिछले वर्ष मंदसौर में किसानों पर हुए गोलीकांड के कारण भी सरकार की खासी किरकिरी हुई थी। इसी को देखते हुए चुनावी वर्ष में सरकार ने किसानों को मनाने के लिए पंच सरपंचों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के चलते गुरुवार को इंदौर में पंच सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में इंदौर के सांसद और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के साथ केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत भी शामिल हुए। दोनों ने पंच सरपंचों को विभिन्न मुद्दों पर सीख दी। इस राजनीतिक उद्देश्य से बुलाए गए पंच सरपंच सम्मेलन में मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा, राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादातर स्थानीय प्रशासन, नगरीय निकाय और पंचायत अमल करती है। योजनाओं की जानकारी गाँव गली तक धरातल पर पहुँचे, इसके लिए सम्मेलन आयोजित किया गया था। गहलोत बोले, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निरंतर इस तरह के कार्यक्रम करती है। जागरूकता लाने और योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक ले जाने की कोशिश करते हैं। देखो, राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाएं त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ज़्यादातर स्थानीय प्रशासन, नगरीय निकाय और पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत जो संस्थाएं आती है वो उस पर अमल करती है। उन योजनाओं की जानकारी पंच सरपंच तक पहुँचे और जो योजनाएं हैं वो गांव गली तक धरातल पर पहुँचे, इस प्रकार की योजना को लेकर के आज सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसे मुझे उन्होंने कहा, इसे आप चुनाव की तैयारी भी कह सकते हैं। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए हुए अलग अलग जिलों के सरपंचों ने शिरकत की।